हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड के बारे में, ठीक है, जो अभी रिसेंटली जिसको लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इस अवार्ड के बारे में पूरा हम डिटेल में बात करेंगे कि किसको दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, उन सब के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। ओके, सो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो नीचे उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके न्यूज़ हाइलाइट्स के बारे में। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। ये एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होगा इन द फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। जो कि सरदार पटेल जो हैं कि जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से या फिर फाउंडिंग फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है 31 अक्टूबर को, और उस दिन नेशनल यूनिटी डे भी मनाया जाता है, तो उसी दिन ये अवार्ड दिया जाएगा। ओके, सो अब बात करते हैं सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड के बारे में, ठीक है। ये अवार्ड किसी भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंडिविजुअल को दिया जा सकता है, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एक साल में 3 से ज़्यादा अवार्ड नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, और पोस्ट थॉमसली अवार्ड नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट फॉर सम रेयर सर्कमटांसेस। ओके, और नॉमिनेशंस जो होंगे हर साल भरे जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये जो इसकी वेबसाइट है नेशनल यूनिटी अवार्ड्स .MHA.gov.in पे फाइल की जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। ये वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, ठीक है, कि किसको दिया जाएगा किसको नहीं। इसके लिए किसी भी सिटीजन को दिया जा सकता है, ठीक है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, या फिर जो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में बेस्ड है उसके द्वारा किसी भी इंडिविजुअल को अगर नॉमिनेट किया जाएगा, मतलब उस वेबसाइट पर उसका एप्लीकेशन फॉर्म नॉमिनी का भर के अप्लाई अगर किया जाएगा तो उसको कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल खुद के लिए भी नॉमिनेट कर सकते हैं खुद को, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन या यूनियन गवर्नमेंट की कोई भी मिनिस्ट्री भी भेज सकती है नॉमिनेशन उस ऑनलाइन पोर्टल पर, ठीक है। ये जो है www.nationalunityawards.mha.gov.in पे। ओके, सो अब बात करते हैं इसकी अवार्ड कमेटी के बारे में, मतलब एप्लीकेशन तो फाइल कर दिया नॉमिनीज ने, अब कौन डिसाइड करेगा किसको दिया जाए किसको नहीं। सो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी अवार्ड कमेटी के नाम से, जिसमें कि कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है, और सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट भी इंक्लूड होगा जिसमें, और होम सेक्रेटरी एज ए मेंबर इंक्लूड होगा, और 3 to 4 एमिनेंट पर्सन सेलेक्ट किए जाएंगे प्रधानमंत्री के द्वारा। ओके, तो अब तक क्या हुआ, कमेटी ने डिसाइड कर लिया कि अवार्ड देना किनको है, तो अब अवार्ड दिया किसके द्वारा जाएगा, ठीक है। तो अवार्ड दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, जब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड्स जब की प्रेजेंटेशन की सेरेमनी जब करेंगे उसी में ये जो नेशनल यूनिटी अवार्ड है सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड दिया जाएगा। ओके, सो अगर इसकी प्राइस के बारे में बात करें, ठीक है, कि क्या क्या दिया जाएगा एक्चुअली इस अवार्ड के टाइम में, बस इस अवार्ड के टाइम में कोई मॉनेटरी ग्रांट या कैश अवार्ड कुछ नहीं दिया जाएगा, बस एक मेडल दिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग इधर राइट साइड में देख रहे हैं ये मेडल दिया जाएगा। ओके, दोनों साइड से हैं, दोनों इमेज से हैं ये, फ्रंट और बैक वाला। ओके, सो इसमें बस इतना ही। होप यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।